विदिशा जिले के पठारी में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी पठारी द्वारा विशाल धरने का आयोजन किया गया। उक्त धरना कार्यक्रम में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव सुभाष वोहत शामिल हुए। वोहत ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा, मोदी सरकार से हम भीख नहीं मांग रहे हैं, हम अपना हक मांग रहे हैं। पूर्व में भी हमारी सरकारें रही, हमने कभी सौतेला व्यवहार नहीं किया, मगर मेरे मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। जिन जिन के कर्ज माफ़ हुए हैं उनका बैंक से रिकॉर्ड मंगा कर उनका नाम लिया। जिनका कर्ज माफ़ हो गया उन्होंने कहा, जिनका कर्जा माफ़ नहीं हुआ उनका शीघ्र ही पूरा 2 लाख तक कर्जा माफ़ होगा। कुछ समस्याएं विद्युत से जुड़ी हुई आई, उनका तुरंत विद्युत अधिकारी से बात कर शिविर के माध्यम से शीघ्र निराकरण करने का आश्वासन भी दिया और कल शाम तक यूरिया उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। कार्यक्रम में सभी कांग्रेसी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। विदिशा से आशीष सहले की रिपोर्ट। कांग्रेस कमेटी के हमारे साथी ब्लॉक अध्यक्ष यादव जी के नेतृत्व में अपने पठारी के मुख्य प्रशिक्षण चौराहे पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं नेताओं ने भारत की केंद्र सरकार जो नरेंद्र मोदी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसके विरुद्ध हमने यहाँ आज धरना दिया है। और धरने में हमारे साथियों ने केंद्र सरकार की धोखी नीति के खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद किया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी से हमें परिपत्र मिला था कि मध्य जन जागृति है कि आम जनता को बताने हैं जो केंद्र सरकार से हमारा करोड़ों अरबों रुपया बाकी है जो मध्य प्रदेश को मिलना चाहिए, माननीय कमलनाथ जी को मिलना चाहिए, जिससे किसान मजदूर व्यापारी जिन भाइयों का फसलों का नुकसान हुआ है उनको हम वितरित कर सकें। आज के संदर्भ में पूरे मध्य प्रदेश में अलग अलग जगह हमारा धरना प्रदर्शन जारी है और हमारा एकमात्र उद्देश्य यही है कि हम इस भारतीय की ज़्यादा से ज़्यादा संख्या को जनता को पता चले कि भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली नीति के कारण हम परेशान हैं, जनता परेशान है। माननीय कमलनाथ जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, वो सब कुछ देना चाहते हैं, लेकिन जब तक केंद्र सरकार से हमें राहत राशि नहीं मिलेगी जो करोड़ों अरबों रुपये की है, तब तक आम जनता को हम संतुष्ट नहीं कर सकते। आज पूरे देश का पिता की भूमिका में केंद्र सरकार होती है, भारत की एकमात्र सरकार केंद्र सरकार होती है, बाकी राज्यों की सरकार एक भाई के समान उनका सपोर्ट करती है। जिस तरीके से एक परिवार का पालन पिता करता है, अपने बेटों को पालता है, परिवार को पालता है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।